नमस्कार, स्वागत है आपका IVVS क्लासेस में। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पिछली क्लास को ही जो टॉपिक था पिछली क्लास का मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और ग्राफिकल मेथड से जो बची हुई दो इक्वेशन है उनका डेरिवेशन देखेंगे। तो टॉपिक जो है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। उससे पहले मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा और यहाँ पर कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तब तक के लिए आप जो रिवीजन था पिछले लेक्चर का वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। ये ग्राफ आप तब तक देख लीजिएगा और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि पिछले लेक्चर में हमने कितना कवर कर लिया था। तो अगर आप अनअकैडमी पर IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो आप BSc के जो सिलेबस है उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई है जो कि है सक्सेस मंत्र के नाम से, और 1 वीक 1 यूनिट आपको मिल जाएगी। आपकी जो यूनिट है, एक यूनिट 1 वीक में कवर की जाएगी। यहाँ पे 11 नवंबर से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए आप शिखा उपाध्याय कि जो कोर्सेज हैं, कि जो लेक्चर हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँचेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जो 11 नवंबर को जो कोर्स आने वाला है वो है पैकिंग इन अ सॉलिड स्टेट फॉर BSc। एंड उसके बाद अगला जो कोर्स लेक्चर होगा वो होगा लैटिस एनर्जी इन द सॉलिड स्टेट फॉर BSc। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे रेडियस रेशियो रूल इन सॉलिड स्टेट BSc। एंड फिर यहाँ पे एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट, उसके बाद क्विज, लाइव क्विज लेने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर नीचे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुँचेंगे। आप यहाँ पे कोई सा भी एक पैक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 12 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 3 मंथ, तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ANUGRH, और ये जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पैकेज है उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बाद में प्रोसीड टू पेपर क्लिक कर सकते हैं। तो इतना आपको करना है और बाकी की जो बातें हैं वो हम इसमें बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में ये VT ग्राफ है और यहाँ पर U वेलोसिटी से कोई भी बॉडी मूव कर रही है, और जो कि T टाइम में V वेलोसिटी ले लेती है। इसमें जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वाई एक्सिस में वो कितना है, V माइनस U। तो A जो है एक्सलेशन, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो एक्सलेशन जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो स्लोप के बराबर होगा। और ये जो स्लोप होगा वो होगा ∂y/∂x, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा v-u/t। at इज इक्वल टू v-u, यानी कि v इज इक्वल टू u+at। इसी तरीके से अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन में क्या होता है, डिस्टेंस की बात होती है। क्या है, s इज इक्वल टू ut+ ½at²। तो इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कब निकलेगी, जब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ के देख सकते हैं। एक तो ये ट्रायंगल है ABC, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये ओरिजिन। तो ट्रायंगल है UAB, ठीक है, एक तो ये ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल UAB, और प्लस दूसरा यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल दिख रहा हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल UBCO, यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल UBCO, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एरिया इसका निकालें तो कितना मिलेगा, हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ओके। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये होता है लेंथ
इनटू विथ, ओके। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये कितना मिलेगा, हाफ, ठीक है, इनटू बेस कितना है, तो बेस यहाँ पे टी के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टी, और हाइट कितनी है, तो हाइट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो है बी माइनस यू के इक्वल। लेंथ यहाँ पर कितनी है, तो लेंथ अगर देखेंगे तो वो टी के इक्वल है, और विथ यहाँ पर कितनी है, तो वो यू के इक्वल है। तो ये कितना मिल जाएगा, देखिए इसमें वी माइनस यू है, तो इसको हम टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड करके ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ वी माइनस यू अपॉन टी, और ये टी यहाँ पे है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, प्लस यू टी। तो ये यहाँ पे मिल गया ए के इक्वल, वी माइनस यू अपॉन टी ए के इक्वल होता है, तो मिल जाएगा हमें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमें मिल गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या हो गई है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इसको हम किस तरीके से डिराइव करेंगे, तो डिराइव इसका जो है पूरा डेरिवेशन अगर हम देखें, तो अब ये जो पूरा एरिया बन रहा है, इस पूरे एरिया को एक साथ ले लिया जाए, ठीक है, इस पूरे एरिया को एक साथ ले लेते हैं, तो एरिया क्या है, यू ए सी ओ, और ये क्या है, ये ट्रेपेजॉइड है एक, ठीक है, ट्रेपेजॉइड है, तो इसको हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, देखिए, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या है, ट्रेपेजॉइड, पूरा ट्रेपेजोइड, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे ए यू ए सी ओ, यू ए सी ओ, ओके। तो इसको, इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इनटू में हाइट, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, तो इसमें देखेंगे पैरेलल साइड्स क्या है, यू एंड वी, ठीक है, तो यू प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा यू प्लस बी, ठीक है, इनटू में हाइट कितनी है इसकी, तो टी इसकी हाइट है, तो एस इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए तो टी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाफ यू प्लस वी, एंड टी जो होगा वो होगा वी माइनस यू अपॉन ए के इक्वल। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यहाँ पे मिल गया, ठीक है, यू स्क्वायर को इधर लिख दीजिए, तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इसका तीसरी इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से तीन इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल जाती है, इक्वेशन ऑफ मोशन की तीन इक्वेशन हमें मिल जाती है। फर्स्ट यहाँ पे मिल गई v इज इक्वल टू यू प्लस at, इस इक्वेशन में क्या नहीं है, मिसिंग टर्म क्या है, यू ओ एस, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग टर्म लिख दीजिए एस। दूसरी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मिसिंग टर्म क्या है, वी। तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसमें मिसिंग टर्म क्या है, बताइए टी, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक इक्वेशन में कोई ना कोई मिसिंग टर्म है, जिसका आप प्रयोग इस इक्वेशन में, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ मोशन को। दूसरी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम कैलकुलस को देखेंगे, किस तरीके से कैलकुलस का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।